मैं सहजवीर संधु आपका सुबह सवेरे एक पहेली में स्वागत करती हूँ, जिसमें कि हम आपके लिए रोज एक नई पहेली और एक जीत का क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारी कल की पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगले तो हम जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर वो हमें निगल ले तो हम मर जाएंगे। और दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है पानी, यानी कि वाटर, क्योंकि पानी को पीकर ही हम जिंदा रहते हैं। और अगर सुनामी या बाढ़ आ जाए तो हम लोग तो उसमें बहकर मर ही जाते हैं। और दोस्तों, हमारा कल का जीत का क्वेश्चन था, सिखों के ऐसे गुरु का नाम बताइए जिन्होंने कि अपने पूरी परिवार का बलिदान दे दिया अपने धर्म को बचाने के लिए। और दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है, और वो सिखों के गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के आखिरी और 10वें गुरु भी माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1616 को हुआ और इनकी डेथ 7 अक्टूबर 1708 को हुई। जब ये पैदा हुए थे तब इनका नाम गोविंद राय था, और बाद में जब इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की तो उन्होंने पहले पंजा प्यारियों को अमृत छकाया, उसके बाद इन्होंने उनसे अमृत छका और फिर इनके नाम के पीछे सिंह लगा, और जिसके बाद इनका नाम गुरु गोविंद सिंह बन गया। ये गुरु तेग बहादुर जी के इकलौते बेटे थे, और जब गुरु तेग बहादुर जी को कश्मीरी पंडितों ने कहा कि हमारी रक्षा कीजिए, तब गुरु गोविंद सिंह जी आए और उन्होंने कहा, गुरु पिताश्री, आपको ही इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। और तब गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बनकर चांदनी चौक में गए और वहां पर उन्होंने अपनी शहीदी दे दी हिंदू धर्म को बचाने के लिए। जब ये सब कुछ हुआ तब गुरु गोविंद सिंह जी मात्र 9 वर्ष के थे, और गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद गुरु गोविंद सिंह जी को भी सिखों का 10वां और आखिरी सिख गुरु बनाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 सुपुत्र थे, 2 तो एक युद्ध में शहीद हो गए थे और 2 जिन्हें कि मुगलों ने बंदी बनाकर उनका कत्ल कर दिया था। दोस्तों, इसके साथ गुरु गोविंद सिंह जी वो पहले गुरु भी थे जिन्होंने कि दशमेश ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, जिसमें से कि बहुत सारी राइम्स एंड पोइम्स, पोट्रीज एंड बहुत सारे पार्ट्स एंड बहुत सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, जो कि सिखों की एक लाइव गुरु है, जो कि एक जीती जाती जोत है। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बता दूं, गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थी, यानी 3 वाइफ्स थी। एक, जब वो 10 साल के थे तब उनकी पहली मैरिज यानी पहली शादी माता जीतो जी के साथ हुई थी 21 जून 1977 में, जो कि अनंतपुर साहिब से थोड़ी दूर ही रहती थी। उनके 3 सुपुत्र हुए, बाबा जोरावर सिंह जी जिनका जन्म 1691 में हुआ, बाबा जुझार सिंह जी जिनका जन्म 1696 में हुआ, और फतेह सिंह जी जिनका जन्म 1699 में हुआ। उनकी दूसरी शादी तब हुई थी जब वो 17 साल के थे। उनकी दूसरी शादी माता सुंदरी जी के साथ 4 अप्रैल 1684 को हुई थी अनंतपुर साहिब में। उनके एक ही सपुत्र हुआ था, बाबा अजीत सिंह जी जिनका जन्म 1687 में हुआ था। और उनकी तीसरी पत्नी थी माता साहिब कौर जी जिनके साथ गुरु गोविंद सिंह जी की शादी 33 ईयर्स ओल्ड एज में हुई थी। उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें हम सब यानी सिखों की मदर ऑफ खालसा बना दिया, यानी माँ बना दिया। दोस्तों, इसके साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने 1684 में चंदी दीवार एक पंजाबी कथा भी लिखी थी, यानी हम उसे ग्रंथ भी कह सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी जी और उनके छोटे पुत्र वजीर खान यानी जो मुगल का गवर्नर था ऑफ सरहंद, उन्हें कैद कर लिया गया। उनके छोटे वाले पुत्र
की उम्र थी मात्र 5 साल और उनके बड़े वाले सुपुत्र की उम्र थी मात्र 8 साल और उन्हें जिंदा दीवारों में चिन दिया गया था इस्लाम कबूल ना करने के लिए। और उनके जो दो बड़े सुपुत्र थे उन्हें सरंग की चमकौर की जंग में मार दिया गया था। और दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया है लगभग सभी ने। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा आज का जीक का क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा आज का जीक का क्वेश्चन है इंडिया का वह कौन सा शहर है यानी स्टेट है जिसे कि हम इंडिया का हार्ट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारी आज की पहेली। तो दोस्तों हमारी आज की पहेली है ऐसी कौन सी चीज है जिसे फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म रहती है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म रहती है। इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में।